हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर, यूनिट एट, चेक योरसेल्फ। स्टूडेंट, यूनिट एट का चेक योरसेल्फ कराएंगे आज हम आपको, और पेज नंबर है जी 63। फाइंड द पैटर्न इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एंड राइट द मोर नंबर। स्टूडेंट, जो ए वाली रो है इसमें आपको इसका पैटर्न फाइंड करना है। पैटर्न फाइंड करने के आगे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट पहले जो फर्स्ट रो है उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट हम जान रहे हैं कि काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3, समझ गए ना हम कि भाई काउंटिंग लिखी हुई है। तो हमें आगे भी जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ तक की काउंटिंग कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट 8 के बाद 9 10 11 12 30, तो कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। अब बी वाली देखिए, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 और 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। तो स्टूडेंट ये 30 हो गया। अब आप कहोगे कि भाई 30 से आगे तो हमसे टेबल नहीं आता, ये तो 3 का टेबल था, है ना। अगर 30 आ गया तो इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, टेबल ये ऐड बंद हो जाएगा स्टूडेंट। फिर 3 ऐड कर दीजिए तो 3 11 जा 33 और 3 12 जा 36। ओके स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हो गया। अब सी वाला देखिए, 25 है, 25 से फिर 23 होगा, 21 होगा, 19 होगा, 17 होगा, 15 होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, तो देखिए अगर आप 25 में से 23 माइनस करें तो क्या आ जाएगा जी, टू आ गया स्टूडेंट, है ना। तो इस कहने का मतलब है इनमें 2 2 का डिफरेंस है सब में, ठीक है जी। तो सब में से आप 2 माइनस कर देंगे, इन सब में से आप 2 माइनस कर देंगे, 15 में से 2 गए। तो स्टूडेंट 2 जाने का मतलब है एक नंबर मिस हो जाएगा बीच में। देखो यहाँ 4 5 है तो 4 नहीं आने का, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 13 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 नहीं आने का, 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ 1 है तो यहाँ 10 नहीं आने का, यहाँ 9 आ जाएगा। और यहाँ 8 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6 नहीं आने का तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 तक गए 8 9, और 9 तक गए 10 11, 11 से आ गए 12 13, 13 से आ गए 14 15, ठीक है जी। तो इनमें से सब में से 2 2 माइनस हो जाएगा। अब 118 है, यहाँ 116 हुआ, 114 होगा। तो स्टूडेंट देखिए आप 18 में से अगर 16 माइनस करेंगे 2 है, तो इनमें सब में भी 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी इन सब में भी 2 माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस हो गया, आंसर लिख दीजिए। अब 8 में से 2 माइनस कर दीजिए स्टूडेंट, कितना बचेगा 6। अब स्टूडेंट 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 4। अब 4 में से 2 माइनस कर दिया 2, अब 2 में से 2 माइनस कर दिया 0, तो 100 हो गए स्टूडेंट, 100 में से 2 माइनस कर दिया 98, ठीक है जी। अब कंप्लीट द पैटर्न फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट आपको पैटर्न चूज करना है, इनमें क्या पैटर्न यूज किया गया है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन्हें अगर आप ऐसे भी ऐड करेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 10 4 आ गया। तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे भी करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको पैटर्न देखना। तो स्टूडेंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो सब लगातार आने वाली डिजिट है। अगर सारी लगातार आने वाली डिजिट हुआ और एक एक
नंबर ऐड हो रहा हो, है ना। तो स्टूडेंट इनका आंसर देखिए, यहाँ 14 आया, यहाँ 10 आया, तो 14 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं 4 का डिफरेंस आ गया। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट रो है उसका आंसर 4 ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ 10 आया तो यहाँ 14 आएगा, और यहाँ 14 है तो स्टूडेंट 4 ज़्यादा आएगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, ये भी 4 ज़्यादा आएगा तो 18 में हम 4 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 22, फिर 4 प्लस कर देंगे 26। इस तरह आप कहीं तक भी जा सकता है स्टूडेंट, जोड़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने के आंसर में 4 ऐड करते चले जाओ यही आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो स्टूडेंट आप इसे लास्ट वाले को ऐड करके देख लीजिए, यही आंसर पाएगा। 5, 6, 11 और 7, 18, 18, 8, 26 आया ना, देखो ये आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वाला बी वाला क्वेश्चन देखिए, 1 + 3 को ऐड किया 4 आ गया, अब यहाँ 2 × 2 आ गया, ये इन्होंने दिया हुआ है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए 1 नुक्कड़ हुई है, 3 भी नुक्कड़ हुई है, अब 3 में 2 प्लस करके यहाँ 5 लिख दिया, अब इन्हें सबको ऐड करके 9 आ गया, है ना। तो यहाँ 2 था, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ये स्टूडेंट आप ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि भाई किसकी मल्टीप्लाई किस में करेगी, 4 आ जाए, इसके 2 टुकड़े करने, इसका वर्क करना है ना। तो स्टूडेंट अगर हम 1 × 1 = 1 हो और 2 × 2 = 2 हो तो 2 × 2 = 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, है ना। तो इसी तरह स्टूडेंट हम देख सकते हैं भाई 2 × 2 = 2 में करी तो 4 आएगा, और 3 × 3 = करी ना ही ना जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, तो फिर स्टूडेंट यहाँ 5 था, 5 में 2 जोड़ गया, फिर 7 आ गया, यहाँ स्टूडेंट 7 था तो फिर इसमें 2 जोड़ गया 9 आ गया, यहाँ 9 था तो 2 जोड़ गया 11 आ गया। तो इसी तरह एक एक रो हम 2 प्लस करके करते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ 9 है तो स्टूडेंट इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ 16 आ गया है स्टूडेंट, और 16 में आप 9 ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा, और 25 में 11 ऐड कर देंगे 36 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो यहाँ 4 आएगा दोनों जगह, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा। अगर स्टूडेंट आप 11 में 2 प्लस करके अगली डिजिट लिखेंगे तो वहाँ 7 आ जाएगा, फिर 2 लिखेंगे फिर 8 आ जाएगा, इसी तरह ये रो आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है जी। अगर यही पैटर्न है तो यही आखिर में आखिर के यही आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अगर आप ऐसे भूल जाते हैं तो स्टूडेंट इन्हें ऐड कर लीजिए, ऐड करके जो भी आंसर आएगा आपका, है ना, और उसकी मल्टीप्लाई कोई ऐसे डिजिट देके उसकी मल्टीप्लाई अगर उसी से करके ये आंसर आ जाए, ठीक है। अगर हम 6 × 6 में करेंगे तो 36 आएंगे, 5 × 5 में करेंगे 25 होगा, 4 × 4 में करेंगे तो 16 आएगा, 3 × 3 में करेंगे 9 आएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर सी, देखिए स्टूडेंट पैटर्न देखिए, 90 है, 90 में से 1 माइनस कर दिया 89 आ गया, 89 में से 1 माइनस कर दिया 88 आ गया, 88 में से 1 माइनस कर दिया 87 आ गया, 87 में से 1 माइनस कर दिया तो 86 आ गया, और इधर ही 30 माइनस किया था तो स्टूडेंट यहाँ 29 आ गया, 28 आ गया, 27 आ गया, 26 आ गया। अगर स्टूडेंट दो नंबर है कोई भी, अगर हम दोनों नंबर में से सेम नंबर माइनस करें है तो स्टूडेंट उनके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए 90 में से आपने 30 माइनस करा तो 60 आंसर आ गया, फिर स्टूडेंट इनमें से हमने 1 माइनस करा दोनों साइड से, बोथ साइड से माइनस 1 कर दिया, तो स्टूडेंट इनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका आंसर 60 का 60 ही आएगा सबका, ठीक है जी। क्योंकि इसमें से भी 1 माइनस करा, इसमें से भी 1 माइनस करा, अगर इसमें से अलग करते इसमें से अलग करते तो इनके आंसर में डिफरेंस आ जाता। अब स्टूडेंट अगर ऐसा कोई सवाल है जिसमें से दोनों में से 1 माइनस होता हो रहा हो बार बार, है ना, तो उनका आंसर भी सेम आएंगे। अब स्टूडेंट डी वाला देख लीजिए, ठीक है जी।
अब स्टूडेंट इन्होंने क्या करा, वन की मल्टीप्लाई वंस की सात कर दी, तो वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन फाइव जा फाइव। अब स्टूडेंट इन्हें हंड्रेड प्लस वन होना, तो यहाँ पे क्या आ गया वंस पे, वंस आ गया, यहाँ पे टू आ गया, तो स्टूडेंट इनमें वंस वाले डिजिट यहाँ प्लस कर दी इसमें, ठीक है जी। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी और हंड्रेड की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, है ना। देखिए स्टूडेंट ये ऐसा होता है कि जैसे वन हंड्रेड प्लस वन, तो इसकी मल्टीप्लाई हम पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखिए हंड्रेड होगा और वन वन जा वन, तो स्टूडेंट इस प्रकार हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फाइव, हंड्रेड वन हंड्रेड वन, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, तो हमने वंस वाली डिजिट इधर ऐड करी, तो यहाँ वन हंड्रेड वन, देखो हंड्रेड वन जा वन हंड्रेड प्लस वन, वन हंड्रेड वन हो गए, हंड्रेड टू जा टू हंड्रेड प्लस टू, टू हंड्रेड टू हो गए, हंड्रेड थ्री जा थ्री हंड्रेड प्लस थ्री, थ्री हंड्रेड थ्री हो गए, हंड्रेड फोर जा फोर हंड्रेड प्लस फोर, फोर हंड्रेड फोर हो गए, हंड्रेड फाइव जा फाइव हंड्रेड प्लस फाइव, तो जी फाइव हंड्रेड आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आपको दे रखे, इन्हें मल्टीप्लाई करो और इन्हें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर ये इसी तरह आगे बढ़ रहे तो उनका आंसर भी सिक्स हंड्रेड फाइव सिक्स हंड्रेड सिक्स सेवन हंड्रेड सेवन एट हंड्रेड एट इसी तरह आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई बात है आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में कह सकते हैं, ठीक है जी। आपकी कमेंट पढ़ने के बाद में आपकी समस्या को सोल्व किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप स्टूडेंट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।